मानव द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे इनोवेशंस और क्रिएशन होते रहे हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर स्वर्णिम इबारतों में दर्ज हो इतिहास बना देते हैं। ऐसी ही एक मिसाल हमारे देश भारत में है, ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जो देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है, जहाँ प्रतिदिन हजारों पर्यटक इस भव्य कृति को देखने यहाँ आते हैं। स्क्रीन में आप देख रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट। आपका स्वागत है ताज नगरी आगरा में। ये ऐतिहासिक शहर अपने में कई इबारतों को दर्ज किए है। इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे इन्हीं इबारतों में से एक ताजमहल को थोड़ा और करीब से और देखेंगे ताज के कुछ दिलचस्प तस्वीरें। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश और विदेश से सैलानी आगरा में ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल विजिट के लिए टिकट आप काउंटर से लेने के अलावा ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ताजमहल पश्चिमी द्वार पर आपका शुक्रवार को ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रहता है। कृपया अपनी नागरिकता के अनुसार प्रवेश टिकट खरीदें। प्रवेश हेतु अपनी पूर्व निर्धारित लाइन से ही आए। और ये है वेस्टर्न एंट्रेंस डोर, यानी पश्चिमी प्रवेश द्वार। ताजमहल में पूर्वी और पश्चिमी गेट द्वारा एंट्री की जाती है और एग्जिट के लिए 3 गेट हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गेट। सनराइज होने से 1 घंटे पूर्व से लेकर सनसेट के 45 मिनट पूर्व तक विजिटर्स टिकट खरीद सकते हैं। हर शुक्रवार को ताजमहल क्लोज रहता है। मौजूदा एंट्री फीस आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि इंडियंस और फॉरनर्स के लिए अलग अलग है। सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ताजमहल विजिट करते हुए एंट्री करते समय आपके पास टिकट के साथ कोई भी एक फोटो पहचान पत्र। गेट पर ताजमहल का मैप देखा जा सकता है। ताजमहल सेंटर में बाईं ओर मस्जिद और दाईं ओर म्यूजियम, और ताजमहल के पीछे यमुना नदी है। स्क्रीन में दिख रहे वेबसाइट के लिंक से आप न सिर्फ ताज बल्कि देश के दूसरी जगहों के भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स की टिकट बुक कर सकते हैं। ताजमहल के सामने बने इस विशाल गेट से प्रवेश कर सामने सफेद इमारत देखते ही आप दुनिया के उन कुछ लोगों में शुमार हो जाते हैं जिन्होंने बेमिसाल ताज का दीदार किया है। ताजमहल देश के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशंस में से एक है। ताजमहल में वर्तमान को अतीत से जुड़ता हुआ महसूस किया जा सकता है। सफेद संगमरमर से बना मकबरा, जिसके आगे खूबसूरत गार्डन, फाउंटेन, तालाब में ताज का रिफ्लेक्शन, ताजमहल के मेहराब और उन पर उभरी नायाब नक्काशी देख नजरें सम्मोहित हो इसकी खूबसूरती बिना पलक झपकाए निहारती है। ताज विजिट करना अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है। जहां एक तरफ इसकी खूबसूरती लाजवाब है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट शिल्प कौशल के साथ दीवारों पर की गई नक्काशी और सुंदर कैलीग्राफी अद्भुत है। ताजमहल का शिल्प, दीवारों पर की गई नक्काशी और इसकी बेजोड़ खूबसूरती हमेशा के लिए आपकी स्मृतियों में जगह बना लेती है। कभी भी विजिट करें, आपको यहाँ ताजमहल के सामने बने चबूतरे और गार्डन में और इसके आसपास तस्वीरें खिंचाते पर्यटक हमेशा दिख जाएंगे। ताजमहल को बनाने में तकरीबन 20,000 मजदूरों का योगदान है और इसे बनने में लगने वाला समय है लगभग 20 वर्ष। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत ताजमहल मुगल साम्राज्य के समय बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाई थी। ताजमहल की छत फ्लावर पैटर्न और फर्श ज्योमेट्रिकल डिजाइन के साथ सजाया गया है। मुख्य संरचना का भीतरी भाग लाखौरी मिट्टी की ईंटों से बना है, जिसे खूबसूरती से संगमरमर से ढका गया है, जबकि आसपास के ढांचे लाल बलुआ पत्थर से ढके हुए हैं। ताजमहल को मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और इसे पर्शियन, भारतीय और इस्लामी कला शैली में निर्मित किया गया है। ताजमहल को बने 370 से भी ज्यादा वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी संगमरमर से बनी अद्भुत धरोहर यमुना नदी के किनारे अपने अतुलनीय और अद्भुत सौंदर्य से न सिर्फ सैलानियों को लुभाती रही बल्कि वास्तुशिल्प और वैज्ञानिक अनुसंधान को भी निरंतर प्रेरणा दे रही। ताजमहल को देखने के बाद पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। ताजमहल विजिट करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ टूरिस्ट का पीक सीजन होता है।
इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल विजिटर्स के लिए शुक्रवार को बंद रहता है और इस दिन दोपहर को केवल उन लोगों के लिए खोला जाता है जिन्हें ताजमहल के बाईं ओर बनी मस्जिद में नमाज अदा करनी हो। ताजमहल सनराइज से 30 मिनट पहले और सामान्य दिनों के दौरान सनसेट से 30 मिनट बाद तक खुला रहता है। आगरा समुद्र तल से 171 मीटर की हाइट पर है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। हालांकि पूरे वर्ष भर यहाँ कभी भी आया जा सकता है। अप्रैल से जून तक गर्मियों के कारण और जुलाई से सितंबर तक बरसात की वजह से पर्यटकों की आवाजाही थोड़ा कम रहती है। ताजमहल सामान्य दिनों में सुबह 6 से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। ताजमहल महीने में 5 दिन रात्रि के समय भी खुलता है। पूर्णिमा की रात्रि के साथ उससे पहले की और बाद की दो रातों तक शाम 8:30 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक फ्राइडे को छोड़कर। रात्रि में विजिट सीमित लोगों के लिए रहता है जिसके लिए कम से कम 24 घंटे पहले टिकट्स लेनी होती है और 30 मिनट का समय मिलता है चांदनी रात में ताज को निहारने का। अलग अलग समय पर बदलती रोशनी के हिसाब से ताज के अलग अलग शेड्स दिखाई देते हैं। प्रेम का प्रतीक ताजमहल चांदनी रात में बेहद ही आकर्षक दिखाई देता है। गाइड आदि हायर करने से पहले उनके फोटो पहचान पत्र आदि जांच लें। स्मारक के अंदर बड़े बैग और किताबें ले जाने से बचें। इससे आपकी सुरक्षा जांच में लगने वाला समय बढ़ सकता है। मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी निषिद्ध है। ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों की अनुमति नहीं है। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और फर्स्ट एड बॉक्स ASI कार्यालय में उपलब्ध है जिसका संपर्क नंबर है 0562-233-0498। आगरा देश के सभी प्रमुख हिस्सों से सड़क, रेल और हवाई मार्गों द्वारा वेल कनेक्टेड है। बाई एयर देश के विभिन्न हिस्सों से इंडियन एयरलाइंस की नियमित उड़ानें आगरा के लिए उपलब्ध हैं। रेल मार्ग द्वारा भी आगरा अच्छी तरह कनेक्ट है। आगरा कैंटोनमेंट के मुख्य रेलवे स्टेशन के अलावा दो अन्य रेलवे स्टेशन राजा की मंडी और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। दिल्ली से आगरा को आने वाली मुख्य ट्रेन्स पैलेस ऑन व्हील्स, शताब्दी, राजधानी और ताज एक्सप्रेस हैं। बाई रोड आगरा के लिए देश से कई शहरों में नियमित बस सेवाएं हैं। दिल्ली, जयपुर, मथुरा आदि से आप आसानी से बस या टैक्सी द्वारा आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा की दूरी दिल्ली से वाया ताज एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे से है 233 किलोमीटर। जयपुर से दूरी है 240 किलोमीटर। आगरा शहर में पहुंचने के बाद आपको ताजमहल पहुंचने के लिए आसानी से टैक्सी, टेम्पो, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप शहर के अन्य स्थानों पर जाना चाहते हैं तो प्रीपेड टैक्सी भी उपलब्ध है। इसके अलावा प्रति घंटे के किराए के हिसाब से साइकिल्स भी उपलब्ध हो जाती हैं। क्योंकि ताजमहल क्षेत्र के आसपास डीजल और पेट्रोल वाहनों की अनुमति नहीं है इसलिए आप बैटरी संचालित बसों पर तांगा रिक्शा और अन्य प्रदूषण मुक्त वाहनों को हायर कर सकते हैं। ताजमहल के बाईं ओर है मस्जिद जहां हर फ्राइडे नमाज होती है। आगरा में रुकने के लिए हर बजट के होटल्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट अप्रूव टूर गाइड्स के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन में दिख रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ताजमहल के अलावा आगरा में घूमने के लिए अन्य आकर्षण भी हैं। आगरा फोर्ट, इसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी दूरी ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर है और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से आगरा फोर्ट की दूरी है 4.7 किलोमीटर। ये सनराइज से सनसेट तक खुला रहता है। अगला आकर्षण है फतेहपुर सीकरी, ये भी सनराइज टू सनसेट तक ओपन रहता है। आगरा शहर से यहाँ की दूरी 39 किलोमीटर है। इनके अलावा आगरा के अन्य आकर्षण हैं अकबर का मकबरा, मरियम का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, राम बाग, मेहताब बाग। वैसे तो देश के कई भागों में पेठा बनता है लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर पेठे आगरा में बनते हैं जो कई वैरायटी में आते हैं। व्यूअर्स, पॉपकॉर्न ट्रिप आपके लिए लाता है ट्रेवल डेस्टिनेशन से जुड़ी जानकारियाँ। तो इस खूबसूरत दुनिया को और करीब से जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में क्लिक भी कर लें। उम्मीद है आपको ताजमहल का ये टूर पसंद आया होगा। हर बार की तरह आपके सुझाव और फीडबैक के लिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
किसी नई डेस्टिनेशन की जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। विदा।